हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है थोड़ा सा एक अलग वीडियो होगा। आप सामने देख पा रहे हैं मेरा ये नया कैमरा कैनन का EOS 200D Mark II। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कैमरा अभी हाल ही में लिया है और डेफिनेटली दोस्तों मैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस कैमरे से। और आज का वीडियो खैर इसके बारे में नहीं है, मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो अपने इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिले। अपने Mark II के लिए, जैसा कि आपको पता है कि Mark II में ये जो स्क्रीन होती है वो फ्लिप करने वाली स्क्रीन है इस टाइप की कुछ, तो यहाँ पे ये टच स्क्रीन भी होती है। तो इस टच स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो हर एक कैमरा यूजर को पता होगा कि वो अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर या स्क्रीन गार्ड लगा के रखते हैं अपने टच स्क्रीन वाले एरिया के ऊपर। तो मैंने भी इसीलिए आज फ्लिपकार्ट से एक यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाया है और ये मुझे पड़ा है 149 रुपीज़ का। तो सामने जैसे फ्लिपकार्ट की तरफ से इस टाइप की पैकिंग मुझे देखने को मिली थी। इसे अगर हम ओपन करते हैं इस तरह, तो कुछ इस तरह से ओपन होके ये सामने जो है हमें है। तो यहाँ पे देखिए 9H शॉक प्रूफ ग्लास आर्मर लिखा हुआ है। एक्शन प्रो कंपनी की तरफ से आता है। इसमें रेजिस्टेंस है और हैमर टेस्ट वगैरह भी कर रखा है। आपके फिंगरप्रिंट का जो ये नहीं आ जाता है, जैसे आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट बन गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो उसको भी ये मतलब उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपके कैमरे की स्क्रीन को। और साथ ही साथ इस पर टच वगैरह में किसी भी तरह की आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है और बाकी सारी चीज़ें हैं। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बस एसी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है और इसे कैसे लगाते हैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर रखा है साफ साफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके जिससे भी आपको सहूलियत लगे आप उससे ख़रीद सकते हैं। और अगर MRP की बात करें तो यहाँ पे 499 की MRP आपको देखने को मिलती है। मैं एक मिनट फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 499 की MRP आपको देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके। अच्छा, दो वाइप्स मिलते हैं आपको, एक ड्राई है एक वेट है, जो स्क्रीन को साफ वगैरह करने के काम में आएगा। सबसे पहले इस कपड़े से हमें अपने इस स्क्रीन को आराम से क्लीन करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन हमारा हो चुका है क्लीन। अब हम लेंगे ये वाइप। तो यहाँ पे दोस्तों दो वाइप्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप भी क्लियरली मेंशन कर रखा है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप वाली वाइप को निकालेंगे जो कि वेट है। अब हम लेंगे ये ड्राई वाइप को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं कैमरे को और कैमरे को लेके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं इस तरह से कुछ, और फिर हम नीचे कुछ रख लेते हैं जैसे यहाँ पे, वैसे तो ढक्कन लगा हुआ है। क्लीन कर लेते हैं इसको अच्छे से, कहीं टच वगैरह हो गया होगा तो। ये देखिए यहाँ पे पूरी तरह से क्लीन हो चुका है हमारा ये स्क्रीन। अब हम इसे निकालेंगे, इसे खोलेंगे और इसे हम बाहर रखते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है तो ये आपका जो है या ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसे हम पहले उखाड़ेंगे यहाँ से और उसके बाद से हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और फिर ये सेकेंड स्टेप है, इसको उखाड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे उखाड़ते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए हम इसे उखाड़ेंगे तो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा हमें। तो हमने इसे उखाड़ लिया है और इस तरह से हम इसे यहाँ पे इस तरह से कुछ लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने इसे रख लिया
तरह से हल्के हल्के हाथ से हम प्रेस करते हुए चारों कोने तक इसे पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से माउंट हो गया है और इसमें किसी भी तरह के आपको बबल देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए, अगर आप अच्छे से इसे लगाते हैं तो इसका यही एक खासियत है कि आपको किसी भी तरह की एयर बबल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको वो कर देंगे और उसके बाद से ये जो सेकेंड स्टेप है, तो यहाँ किनारे से हम इसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद हम इसे हटा देंगे। दैट्स ऑल। उसके बाद से हम इसे आराम से इजीली क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है कि अब मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, माउंट हो चुका है इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब हमारी स्क्रीन एटलीस्ट अच्छे से जो है काम भी कर रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, या देखिए आराम से काफ़ी इजीली जो है स्क्रीन आराम से काम कर रही है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस टाइप के और कुछ इससे बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस स्पेशल पॉइंट पर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। तो बस, तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।